की नसें इतनी तेज हैं कि इसे आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है। जरा उस मकड़ी को देखो, क्या तुम्हें पता है कुछ मकड़ियां माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए। पीटर, मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं? 5 साल के कड़े परिश्रम के बाद कोलंबिया की उत्पत्ति खोज केंद्र। तुम जाकर उससे बात करो ना। अरे नहीं, तुम जाओ, तुम उससे बात करो। ठीक है, हमने वो काम कर दिखाया है जो कभी नामुमकिन समझा जाता है। घिन आती है। हाँ, कितने घिनौने हैं ये। नहीं, फिर भी मुझे देखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी। तुम्हें पता है ये जो मकड़ियाँ हैं अपना रंग बदल सकती हैं माहौल के हिसाब से। अच्छा। हाँ, जाहिर है अपने बचाव के लिए। इस प्रयोगशाला में हमने ट्रांसफर आरएनए के जरिए बिल्कुल नई मकड़ियों की जातियाँ बनाई। 3 जाति की मकड़ियों की जानकारी इकट्ठी करके हमने ये 15 महाशक्तिशाली मकड़ियाँ बनाई हैं। यहाँ तो सिर्फ 14 हैं। क्या कहा तुमने? एक गायब है। अरे हाँ, शायद वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। तुम्हें पता है ये इस इलाके का सबसे बड़ा और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। अच्छा? वो समझा रही थी हैरी और तुम लगातार बातें किए जा रहे थे। चलो मैं तुम्हें सुनने का हुनर सिखाता हूँ। मैं तुम्हारे पापा से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलो सब लोग, चलो चलो यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हारी एक तस्वीर खींच लूं हमारे स्कूल मैगजीन के लिए। जरूर, क्यों नहीं, कहाँ खड़ी रहूं मैं? यहाँ ठीक रहेगा? हाँ, वहाँ ठीक रहेगा। मेरी शक्ल मत बिगाड़ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ओह, बहुत अच्छे। ठीक लग रही हो? बिल्कुल। बहुत अच्छे। हाँ, सुनो, शुक्रिया। मशीन के खिसकने की और संतुलन की परेशानी दूर कर दी है। देखो, मैं वो ग्लाइडर पहले देख चुका हूँ। मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया। जनरल स्लॉकम, मिस्टर बालकन, मिस्टर फार्गस, आप लोगों को दोबारा यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। कैसे हो मिस्टर नॉर्मन? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यहाँ आने से हम लोगों को बेहद खुशी होती है। इंसानी